जहाँ दोस्तों हमें भी लगता होगा कि शायद चाइना ने क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया था या फिर क्रिप्टो माइनिंग जितनी भी थी वो सारी की सारी बंद कर दी थी, उसको बैन कर दिया गया था, क्रिप्टो ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया था, जितनी भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस थी उनको बैन करके चाइना से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि बाइनेंस का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो अभी तक 20% जो टोटल वॉल्यूम है वो चाइना से ही आ रहा था। यानी कि पूरे वर्ल्ड में बाइनेंस का सबसे ज़्यादा जो मार्केट है वो चाइना में ही था। हालांकि यहाँ बैन दिखाया जा रहा था, बैन था, चाइना ने किया हुआ था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इलीगल वे में बाइनेंस ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग चली है वहाँ पे। आई थिंक ऐसा सिमिलर ही चल रहा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर तो टैक्स बहुत ज़्यादा है, TDS बहुत ज़्यादा है, जिस कारण अभी बाइनेंस के ऊपर हम ऑलरेडी मूव हो चुके हैं या फिर ऐसी एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी मूव हो चुके हैं ताकि हम अपना TDS सेव कर पाएं। क्योंकि इसी के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है वो ये है कि इंडिया की G20 में प्रेजिडेंसी है, जिसकी वजह से बहुत ही स्ट्रिक्ट क्रिप्टो रूल्स बनाने वाले हैं, तो हमें कोई ना कोई सोल्यूशन इस वक्त ढूंढना ही पड़ेगा। तो आप देखिए, अगर चाइना के जो ट्रेडर्स हैं, माइनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अगर ऐसा कोई सोल्यूशन ढूंढा हुआ था कि वो बाइनेंस के ऊपर फिर भी ट्रेडिंग कर ही रहे थे, तो शायद हमें भी कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। हालांकि मैं कोई ऐसे इलीगल वे या इलीगल तौर तरीका नहीं आपको बता रहा हूं कि ऐसा आप करें, क्योंकि हमें अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस रहना पड़ेगा, अंडर लॉ भी रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपनी क्रिप्टो करेंसीज को थोड़ा सेफ रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कई सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ सकते हैं। तो ये हम थोड़ा और डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है वो BNB के ऊपर भी दिखने वाला है। तो वीडियो अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा सबसे पहले पहुंच रहे हैं। और इसी के तरह टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलने वाली हैं। अब आप देखिए कि चाइना सबसे बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि इंडिया तो अभी ही आया है चाइना से आगे। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो वहाँ 5.6 मिलियन यूज़र्स हैं, ये चीज़ रिवील करेगी, जिनमें से 9,11,650 एक्टिव यूज़र्स भी हैं। यानी कि मान लो कि लगभग 1 मिलियन एक्टिव यूज़र्स भी हैं 5.6 मिलियन में से, और 1 लाख चाइना यूज़र्स ऐसे भी थे जिनको सेंसर भी बोला गया। अब यहाँ पे क्या कि बाइनेंस का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो चाइना से आया, उसके बाद आया साउथ कोरिया से, फिर टर्की से, फिर वियतनाम से। शायद इंडिया भी इसी लिस्ट में होता, टॉप में होता, अगर हमें 30% टैक्स ना देना होता, क्योंकि हमारे बहुत से ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स हैं जो क्रिप्टो से इतना ज़्यादा डर गए कि इसका जो लॉ है वो हमारे अगेंस्ट है इंडिया का, जिस कारण उन्होंने ट्रेडिंग करनी ही बंद कर दी। अब आपको पता होगा कि ये जो हालात है भाई, ये सिर्फ इंडिया में है या फिर चाइना में ही है। अगर हम दुबई की बात करें, आपको कुछ ही दिन पहले बताया था कि बाइनेंस को लाइसेंस मिल चुका है, वो अपने जो कस्टमर्स हैं दुबई में या फिर UAE में उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली जो जैपनीज बैंकिंग जायंट है नोमूरा के नाम से, उनको भी लाइसेंस मिला है ताकि वो क्रिप्टो एंड बिटकॉइन सर्विसेज जो हैं वो दुबई में दे पाएं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अच्छी कंट्रीज हैं, खासकर UAE जो डेवलप होना चाहती हैं, वो सबको लाइसेंस भी दे रहे हैं ताकि खुल के काम भी किया जाए। और यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे कि MicroStrategy सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है जिसके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइंस हैं। अब इन्होंने भी $750 मिलियन और रेज करने ताकि ये बिटकॉइन और भी ज़्यादा बाय कर पाएं। अब ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है जिसकी वजह से हमें BTC और ऑल्टकॉइंस में एक बड़ी लंबी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर इन्होंने इतनी ज़्यादा बिटकॉइंस अभी और बाय करने हैं देन डेफिनेटली ये बाय करके होल्ड करने वाले हैं, और उसी से हम अपना एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जनरली जब हमें ना समझ आए कि क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा, तो उस वक्त क्या है कि हमें इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना है, बड़ी कंपनीज को फॉलो करना है कि वो अपने क्रिप्टो एसेट्स के साथ क्या कर रहे हैं, क्या वो सेल कर रहे हैं या फिर वो और बाय कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक चीज़ क्लियर होती है कि क्या ये बिटकॉइन आने वाले समय अच्छा प्रॉफिट देने वाला है या नहीं देने वाला। अगर वो ज़्यादा बाय करके होल्ड कर रहे हैं, क्या ये लॉन्ग रन के लिए प्रॉफिटेबल एसेट है या फिर नहीं। तो जनरली हमें यही पता चला है हमेशा ही कि ये मोस्ट प्रॉफिटेबल एसेट जो है वो बिटकॉइन ही है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन को साथ अगर हम लेकर चलें तो बिटकॉइन हमेशा इन्फ्लेशन फाइट करने के लिए बना है। अब इसी के साथ चाइना का थोड़ा और बताऊं तो $80 बिलियन की ये फ्यूचर्स मार्केट है चाइना में, $9.4 बिलियन की, लगभग $10 बिलियन की स्पॉट मार्केट है बाइनेंस की चाइना में। और उसके बाद आता है साउथ कोरिया जिसकी है $57 बिलियन के आसपास फ्यूचर्स वॉल्यूम और लगभग $1.5 बिलियन के आसपास स्पॉट वॉल्यूम साउथ कोरिया की। तो आप देख सकते हैं चाइना और साउथ कोरिया कितना ज़्यादा लीड कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में भी चांसेस हैं कि हमें भी बाइनेंस यूज़ ना किया करने दिया जाए, हमें भी कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज बाहर की जो है उसको यूज़ ना करने दिया जाए। तो उसका सोल्यूशन चाइना ने क्या यूज़ किया, तो उन्होंने कॉम्बिनेशन यूज़ किया VPN का। तो VPN हर एक चीज़ का सोल्यूशन है, हमेशा से बनता है,
ज़्यादातर अगर आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपकी जो जियोग्राफिकल पोजीशन है वो ऑलरेडी चेंज हो जाती है, और इसी के साथ जो आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना में हो या फिर इंडिया में हो, तो अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं तो इन रिस्ट्रिक्शंस को आप ईजिली बाईपास कर सकते हो। तभी फिर से मेरा कहना ये नहीं कि आप ऐसा करो, लेकिन ऐसा किया जा रहा है चाइना में। तो $90 बिलियन का जो इन्होंने बिजनेस किया है बाइनेंस ने चाइना में, तो आप सोच सकते हैं बाइनेंस एक समय पे चाइना का ही एक प्रोडक्ट था, चाइना का ही एक बहुत बड़ा एक्सचेंज और कंपनी था जिसको चाइना से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मोस्ट ट्रस्टेड जो एक्सचेंज है वो बाइनेंस ही है और इसी के ऊपर ट्रेडिंग करी जा रही है। अब इसी के साथ अगर हम G20 प्रेसिडेंसी की बात करें, क्योंकि इंडिया की प्रेसिडेंसी है इस G20 में, तो क्रिप्टो के जितने भी ग्लोबल रूल्स आने वाले हैं, लॉ आने वाले हैं, रेगुलेशंस आने वाले, वो इंडिया के द्वारा ही आएंगे। हालांकि यहाँ पे डिस्कशन तो करी जाएगी IMF के साथ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के साथ। तो इन्होंने ऑलरेडी ऐसा बोला कि हम बहुत ही टफ रूल्स लाने वाले क्रिप्टो एसेट्स के लिए, ताकि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड थोड़ी कम हो, क्योंकि इनका मानना यह है कि जो टेररिज्म है वो इससे और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि पहले हवाला होता था, यानी कि कैश दिया जाता था, अभी कैश की जगह क्रिप्टो करेंसी से ले रही है। तो हम देख सकते हैं कि नेगेटिव चीज़ें तो होती हैं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई भी रहती है। तो इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो वो अगर अच्छी कंट्री सामने आएंगी जो कि थोड़ा क्रिप्टो फ्रेंडली लॉ बनाएंगी, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इन्होंने ऑलरेडी हमारे नाक में दंग कर रखी है इंडिया में। तो इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो अजय सेठ एक सीनियर ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही कंसिडरेशन सभी मेंबर्स की लेने वाले हैं, तभी ये फाइनल रूल्स जो है पास किए जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर या तो लगा ही नहीं सकते, अगर लगाने की कोशिश करते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं होगी, यानी कि वो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होने वाली, सिर्फ पेपर पे लिखा ही रह जाएगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन यहाँ से एक और इंडिकेशन आपको देना चाहता हूँ कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बाइनेंस की बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है, और वैसे भी चाइना बहुत ज़्यादा क्लोजली बढ़ रहा है टूवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है, वहाँ ट्रेडिंग भी अलाउ करी जा रही है, जिस कारण BNB में तो हमें प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा, लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो वॉल्यूम और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आप सोचिए कि हम जब क्रिप्टो को बैन मान रहे थे चाइना में, उस वक्त भी 20% बाइनेंस का वॉल्यूम चाइना से ही आ रहा था, लेकिन अगर ये बैन हट जाता है तो कितना ज़्यादा वॉल्यूम पहुँचेगा, ये 50% तक भी पहुँच सकते हैं, या फिर इसकी कोई लिमिट ही नहीं है अगर चाइना ऐसा करने लग रहा है। क्योंकि सिर्फ ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, बात यहाँ पे माइनर्स की भी है। अगर चाइना अलाउ करता है तो वहाँ पे माइनिंग दोबारा से शुरू हो जाएगी, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को और भी ज़्यादा सेफली वहाँ पे एक जगह मिल जाएगी ताकि वो खुल के काम कर पाएँ, जैसे कि सिंगापुर है, दुबई है, ऐसी जगहों पे अभी बहुत से प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं। वैसे ही चाइना भी आने वाले समय में फिर से हब बन सकता है, इंडिया की तो कोई भी उम्मीद नहीं लग रही है। आपके क्या मानना है इसके बारे में, एक बार नीचे कमेंट करके बताएं, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।